हेलो स्टूडेंट्स, टैली की इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज देखेंगे हम हाउ टू सेल रिटर्न एंट्री इन टैली, जिसे हम शॉर्ट में क्रेडिट नोट भी कहते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F8। या टैली में सेल रिटर्न वाउचर की एंट्री हम कैसे करें ये हम देखेंगे। यदि हमने माल को बेचा है और किसी कारण से वो माल ख़राब निकल गया या हमने टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाए तो वो माल हमारा रिटर्न होके आ जाता है, तो इसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। तो इसकी एंट्री के लिए हमने यहाँ पर कुछ एंट्रीज करके रखी हैं, पहले हम उन्हें समझ लेते हैं। ऑन 2720 सोल गुड्स फॉर सोहन रुपीज़ 2600। 2720 को हमने सोहन को माल बेचा है। माल है हमारा सोयाबीन ऑयल, क्वांटिटी है 20 लीटर और रेट है 130 रुपये पर लीटर। तो यहाँ पर दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एक तो सोहन का अकाउंट है और दूसरा सेल अकाउंट है। सोहन का अकाउंट चूँकि पर्सनल अकाउंट है इसलिए पर्सनल अकाउंट के रूप से सोहन का अकाउंट डेबिट होगा और सेल अकाउंट हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। तो टोटल 2600 रुपये का माल हमने यहाँ पर बेचा है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी ऑन 2820 गुड्स रिटर्न बाय सोहन रुपीज़ 1300। अब हमने जो सोहन को 2600 रुपये का माल बेचा था उसने एक महीने बाद उसमें से 1300 रुपये का माल हमें वापस कर दिया, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। देखिए, सोयाबीन ऑयल था 10 लीटर, क्वान्टिटी उसने रिटर्न किया 130 रुपये पर लीटर के हिसाब से। तो यहाँ पर सोहन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट के रूप से क्रेडिट होगा और डेबिट होगा सेल रिटर्न। सेल जब हमको माल रिटर्न करवाना है तो हमको एक लेज़र यहाँ पर सेल रिटर्न का बनाना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत ही हम सारी एंट्रीज करेंगे। आइए अब हम टैली में चलते हैं। टैली में देखिए, हमारी यहाँ पर कंपनी ओपन है, कृष्णा एंड कंपनी। यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर में चले जाते हैं। अगर अभी तो हमारे यहाँ पर सेल का लेज़र ओपन है, अगर सेल का लेज़र ओपन नहीं है तो हम यहाँ पर सेल की एफ8 में जाके सेल्स को ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे देंगे। हमारा रेफरेंस नंबर है 113। कंपनी की डेट हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पर 2/7। ठीक है, पार्टी है हमारी सोहन। ठीक है, यहाँ पर डिलीवरी नोट्स में हम डिलीवरी नोट्स नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आप कुछ डाल सकते हैं यहाँ पर। डिस्पैच थ्रू ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप डिस्पैच करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डाल लीजिए। डेस्टिनेशन मान लीजिए आपका माल MP जा रहा है। ऑर्डर नंबर भी दिया जाता है, वो ऑर्डर नंबर डाल लीजिए आप यहाँ पर। मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट मान लीजिए आपकी जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू हो रही है तो आप यहाँ पर मोड ऑफ टर्म्स भी डाल सकते हैं। अदर टर्म्स ऑफ डिलीवरी किससे जा रहा है आपका माल ट्रांसपोर्ट में, मान लीजिए माल आपका ट्रक के थ्रू जा रहा है तो आप यहाँ पर ट्रक डाल दीजिए। इसके बाद आप पूरा बायर्स का नाम डाल लीजिए, सोहन, उसका एड्रेस डाल लीजिए, स्टेट डाल लीजिए। स्टेट जो है आपका काम आएगा टैक्स एंट्री के समय, इसको डालना बहुत ज़रूरी रहता है, बाकी सिंपल एंट्री में इसकी कोई नीड नहीं होती है। अब हम चले जाते हैं यहाँ पर वाउचर एंट्री की विंडो में वापस आ गए। तो हमने सोहन ने सेल किया है, उसने सेल किया है सोयाबीन ऑयल जिसकी क्वांटिटी थी 20 लीटर और 130 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसने इसे बेचा है। तो 2600 रुपये की टोटल बिक्री हुई इसकी। यहाँ पर हम नरेशन लिख लेते हैं, सोल गुड्स टू सोहन। ये हमारी एंट्री हो गई है सेल की। अब मान लीजिए जो सोहन है उसने माल हमें वापस कर दिया है ना, तो इसकी एंट्री हम किस में करेंगे। ये जो दो लाइन देख रही है ये आपकी कंट्रोल के लिए होती है, कंट्रोल F8 यानी कि सेल रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट में हम इसकी एंट्री करेंगे। हो सकता है कि आपके टैली के विंडो में ये एक्टिव ना दिखे, तो इसको एक्टिव करने के लिए हम F11 फीचर्स में चले जाएंगे और फीचर्स में जाने के पश्चात हम यहाँ पर इनवॉइस में चले जाएंगे। इनवॉइस में जाने के बाद हम यहाँ पर यूज़ क्रेडिट और डेबिट नोट्स विंडो को यस करेंगे, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड को यस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और डेबिट नोट की एंट्री कर रहे तो डेबिट नोट को भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। हम जैसे एक्सेप्ट करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट नोट की जो विंडो है वो शो होने लगती है। अब हम यहाँ पर क्रेडिट नोट में एंट्री करें तो हम क्रेडिट नोट को ले लेंगे। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था हमारा, पिछला बिल का ही नंबर डालते हैं। ठीक है, उस डेट भी आपकी वही वाली रहेगी। यहाँ पर जो आपकी ये डेट है, ये जिस डेट की एंट्री है वो डेट आप यहाँ पर डालेंगे, 2/8 है। ठीक है, आपका वो जो बिल था यहाँ पर बिल की डेट डलेगी डेट में। फिर पार्टी अकाउंट में हमारा पार्टी का नाम था सोहन। ठीक है, ये पूरी डिटेल सोहन की वैसी ही है। सेल्स लेजर में अब हम
सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, चूंकि क्रेडिट रिपोर्ट में सेल रिटर्न हो रहा है, अगर आपका सेल रिटर्न का लेज़र नहीं बना तो आप ऑल्ट सी करके यहाँ पर बिल्कुल सेल रिटर्न का लेज़र बना सकते हैं, लेकिन मेरा लेज़र चूंकि बना हुआ है तो मैं अभी इसको बनाऊंगी तो ये डुप्लीकेट एंट्री बोलेगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप अंडर में रखेंगे, सेल्स अकाउंट के ही अंतर्गत आपको इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम सेल रिटर्न ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सोहन ने कितने का माल वापस किया है। सोयाबीन ऑयल उसने वापस किया है यहाँ पर 10 लीटर वापस किया है। रेट खुद से ले लेगा 130 रुपये, 1300 का माल उसने वापस किया है। यहाँ पर हम नरेशन डाल देंगे, गुड्स रिटर्न बाय सोहन, और ये एंट्री को हमने एक्सेप्ट करवा लिया। तो इस तरीके से हमने क्रेडिट नोट में भी एंट्री कर दी है। अब हम टैली की विंडो में बाहर निकल के गेटवे ऑफ टैली तक आएंगे। हमने जो एंट्री करी यदि हम उसको देखना चाहें तो हम यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाके स्टॉक समरी में जा सकते हैं। यहाँ पर हम इन आइटम्स को देख सकते हैं, जैसे हमने ऑयल में किया है एंट्री ना, तो हम ऑयल्स के अंदर चले जाते हैं, सोयाबीन ऑयल्स के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 60 लीटर जुलाई में 2-7 की हमने एक एंट्री करी थी, सेल वाउचर नंबर हमारा 5 था, है ना। तो वो जो एंट्री हमने की तो वो ये एंट्री थी हमारी शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसमें से अब जो एंट्री हमारी रिटर्न हो गई है ना, 10 लीटर हमारा रिटर्न हो गया अगस्त के महीने में हुआ तो क्रेडिट रिपोर्ट में आ गया है, वो एंट्री भी हमको यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जुलाई में आपका देखिए आपने माल बेचा तो आपका ग्राफ इस तरीके से शो कर रहा है, अगस्त में आपका माल अगर वापस हुआ है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये एंट्री टैली में शो होती है। थैंक यू।